गांव में रहना आसान नहीं है। गांव में एक एक घर में सात सात आठ आठ लड़के हैं। अपने घर में लड़ेंगे तो खुद ही को मार डालेंगे, तो बगल वाला खुशी है तो उससे लड़ो ना। और वो चिल्लाने लगी स्टेडियम में, जीजू जी मार लो, उठा उठा के की मत करिए बदतमीजी। और हिंदुस्तान खासकर उत्तर भारत के आदमी को दो चीजों से बहुत लगाव है, बहुत प्यार। किसी भी घर को अगर महान बनना है उसका एक ही सूत्र है, किसी भी घर को अगर महान बनना है, किसी भी राष्ट्र को अगर महान बनना है, किसी भी समाज को अगर महान बनना है, उसका एक ही सूत्र है, आंतरिक स्थिरता और शांति, इंटरनल पीस एंड स्टेबिलिटी। इसलिए जो बहुत समझदार मां बाप है, मिडिल क्लास मां बाप यूपी बिहार में, उन्होंने अपने बच्चों को बाहर भेज दिया, चाहे खेत बेचना पड़े, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो वहां घर पे रहेंगे, सामंतवादी इलाके हैं ये, यूपी बिहार सामंतवादी इलाका है, यहां आप खुराफात मत करिए, मत करिए बदतमीजी, मत करिए। यूपी और बिहार में आप दो ही शर्तों पे रह सकते हैं, या तो आपके घर में एक अच्छा सा अपराधी है, चार पांच लोगों का सर काट के लाया है, तो आप आराम से रहेंगे, सुकून से रहेंगे, या आपके घर में कोई सिविल सर्वेंट है या नेता है अच्छे स्तर का, वरना आप नहीं रह पाएंगे। जो लोग कहते हैं भैया हम तो बदतमीजी करते नहीं, फिर हमारे साथ होगी, आप गांव में चले जाइए एक दिन के लिए, गांव बहुत अच्छे हैं, दो दिन के लिए गांव बहुत अच्छे हैं, तीसरे दिन ना रह पाएंगे। और जिनको शहर की शांति मिल चुकी है, शहर में फ्लैटों में अगल बगल वाले एक दूसरे से बात नहीं करते, कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून सामने वाला फ्लैट वाला निकल आया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, खत्म खत्म। इस दिल्ली जैसे मेट्रोपोलिस में, मुंबई में बहुत लोगों को बड़ी शांति मिल गई, परिवार है, बच्चे हैं, सैटरडे संडे को वीवीआर चले गए, अभी लॉकडाउन में थोड़ा दिक्कत चल रहा है तो कोई बात नहीं, घर ही में अपना खाना पीना बना लिए, नाच गा रहे हैं, खुशी से हैं। गांव में, और उसकी वजह क्या है, जनसंख्या, एक एक घर में दस दस बारह बारह लोग हैं, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, आय का स्रोत है नहीं। अपने घर में लड़ेंगे तो खुद ही को मार डालेंगे, तो बगल वाला खुशी है तो उससे लड़ो ना। बहुत चुनौतीपूर्ण है इस वक्त इन स्टेटों में सर्वाइव करना, वैसे तो सारी जगह चुनौतीपूर्ण है, यहां परसेंटेज ज्यादा है। मैं यूपी में किसी की एक इंच जमीन लेके देखिए, और यूपी की जमीन गंगा द्वाब की, पूर्वांचल इतनी फर्टाइल जमीन, इतनी लोहा फेंको AK-47 बाहर निकले। आज भी तुम्हारे पास अगर गांव में दो एकड़ जमीन है ना, दो, और घर के सामने एक ट्रैक्टर है और बुलेट रखे हो तुम, उस पर लिखा है महाकाल, तो तुम्हारी स्टेटस चौधरी की है अपने इलाके में। और हिंदुस्तान खासकर उत्तर भारत के आदमी को दो चीजों से बहुत लगाव है, बहुत प्यार, एक तो अपनी जमीन से और दूसरा अपनी ससुराल से। वो शिखर धवन खेल रहा था ना ऑस्ट्रेलिया में, मारा जा रहा था उठा उठा के मेलबोर्न में, ऑस्ट्रेलियन से लगा कि क्या हो गया यार, उसकी ससुराल है मेलबोर्न में, उसकी वाइफ आई हुई थी और वाइफ के साथ उसकी दोस्तें आई हुई थी, सालियां आई हुई थी, और वो चिल्लाने लगी स्टेडियम में, जीजू जी मार लो, उठा उठा के की। ऑस्ट्रेलिया वालों ने कहा भाई साहब
अगला मैच मेलबोर्न में खेलना ही नहीं है। दो चीज से बहुत लगाव है, जमीन और ससुराल। जमीन नहीं दे सकते, इसलिए बहुत सारे लोग जो गांव में शहरों में सेटल हो गए, दिल्ली में मुंबई में, कह भैया हम गांव की जमीन बेच दिए, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। गांव का सोशल स्ट्रक्चर और शहर का सोशल स्ट्रक्चर बहुत अलग है। शहर में लोगों का एक बच्चा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, मैरीलैंड स्कूल, वही मैगी वैगी खा के बड़ा हो रहा है। और गांव में एक एक घर में सात सात आठ आठ लड़के हैं, आठ लड़के, छह बंबई में कमा रहे हैं, एक जेल में है, दूसरा कचहरी में खड़ा रहता है दिन भर। नहीं, तुम जब भी कचहरी जाओगे एक आदमी तुम्हें वहां मिलेगा, जब भी जाओगे तुम्हें मिलेगा। कहा तिवारी, अरे वो देवरिया वाले केस में पेशी लगी। कुमार विश्वास से किसी ने पूछा कि दिल्ली के लड़के और यूपी के लड़कों में क्या फर्क है, बड़ा अच्छा आंसर दिया उसने। कहा, दिल्ली के लड़के जवान होते हैं तो डेट पे जाते हैं, और यूपी के लड़के जवान होते हैं तो तारीख पे जाते हैं। कुमार विश्वास ने बताया था कि दिल्ली में जो लड़के जवान होते हैं डेट पे जाते हैं, और यूपी में लड़के जवान होते तारीख पे। वो देवरिया वाला जो कांड हुआ था, सर काट लाए, हाँ हाँ सर काट लाए। वैसे आप गांव में रहना आसान नहीं है, बहुत डेंजरस है। कौन कहां आग लगा रहा है किसी को नहीं पता। हम अभी आए दो दिन पहले, गांव में ही थे। हम सब डिस्टेंस बना के रखते हैं, हमको जानते हैं सज्जन आदमी है। इसलिए हिंदुस्तान में वो तबका हमेशा शक्तिशाली रहा जिसका जमीन पे कब्जा रहा। इसलिए ब्राह्मणों ने इस देश में आज तक रिजर्वेशन का विरोध ही नहीं किया, क्योंकि जमीनें आज भी उनके पास है। उनको नौकरी चाहिए ही नहीं, रिजर्वेशन देके उन्होंने भारत में क्रांति को टाल दिया। माओवाद दे दे रिजर्वेशन, ले आओ नौकरी करो। तो जब घर में और नौकरी में क्या है, एजुकेशन, एजुकेशन में क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तुम्हारा कॉलेज स्कूल का टीचर कैसे तुम्हें धमकी देता है कि कैरेक्टर लिख देंगे। हमारे कानपुर में है इकरा आईएएस बाय ओझा सर, जो आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए लाए हैं बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली। तो अब मतलब वो सारे के सारे लोग जो कि आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए दिल्ली जाने की सोच रहे हैं ना, तो अब उन्हें दिल्ली जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ओझा सर की देख रेख में इकरा आईएएस लाए हैं न्यू ऑफलाइन बैचेस फॉर यूपीएससी आईएएस BCS के बाद join NCERT Basics and GS Pre का Mains Foundation Batch सिर्फ और सिर्फ इकरा IAS, वो भी नौ नंबर क्रॉसिंग हमारे शारदा नगर कानपुर में है।